मानसून के आगमन के साथ ही इन बादलों की आवाजाही से कभी धूप तो कभी छांव का माहौल बना रहता है, जिससे मौसम जो होता है वो सुहावना हो जाता है। ऐसी परिस्थितियों में गार्डनिंग करना एक आइडल कंडीशन बन जाती है। हमारे गार्डन के एक छोटे से कोने को देखते हुए इसी क्रम में हम बात करते हैं कुछ इंडोर प्लांट्स की जो हमारे यहाँ मौजूद हैं। हालांकि सारे इस वीडियो में कवर नहीं करेंगे, अगली वीडियो में भी आपको इसका पार्ट देखने मिलेगा। तो इस कैटेगरी में हमारा पहला प्लांट पर्पल हर्ब प्लांट है। सामान्य रूप से पर्पल हर्ब प्लांट की लंबी लंबी टहनियां एक हैंगिंग के लिए अच्छा ऑप्शन है और इसके पर्पल कलर के फॉलिएज और छोटे छोटे पर्पल कलर के फूल एक बेहतरीन लुक देते हैं। इसके फॉलिएज आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप इसका कलर कैसा चाहें। इसकी पत्तियों का कलर पूरी तरीके से सन पे डिपेंड होता है। जैसा कि आप लेफ्ट में देख रहे हैं, जो प्लांट है ये ऐसी जगह प्लेस किया गया है जहां सुबह 5 से 6 घंटे की धूप आती है, धूप की वजह से इसका कलर पर्पल है। तो वहीं राइट वाला प्लांट पूरी तरीके से शेडी एरिया में रहता है और वो क्या है, उसकी फॉलेज देखिए आप ग्रीन ग्रीन आपको ज्यादा दिखाई पड़ रही होंगी। इस प्लांट के प्रोपोगेशन की बात कर ले तो कटिंग से ये इजिली ग्रो हो सकता है। इसको आप सॉइल में या सीधे पानी में भी ग्रो कर सकते हैं। इसकी कीमत की बात करें तो गवर्नमेंट नर्सरीज में ये 5 से 10 रुपए तक, तो वहीं प्राइवेट में 10 से 20 रुपए तक आसानी से मिल जाएगा। सेकंड सेमी इंडोर प्लांट वाले प्लांट की बात की जाए तो टैंगल हर्ट का प्लांट है। इसकी आप अगर लीव्स की बात करें तो देखिए इसकी जो बनावट होती है वो एक दिल के आकार की जैसी होती है और इसकी जो पत्तियां होती है लगता है इसमें कोई एक जेल भरा हुआ है। क्योंकि ये सकुलेंट है इसीलिए आपको इसकी लीव्स फ्लैसी दिखाई पड़ रही है। इसकी ग्रीनरी को देख के आप समझ सकते हैं कि इस प्लांट को फोटोसिंथेसिस की आवश्यकता बराबर होगी। ऐसे में इसे आप फुल शेडी एरिया में ना रख करके सेमी शेडी एरिया में रखिए, क्योंकि ये प्लांट अगर आप बात करें तो इसका जो पीक टाइम होता है वो जनरली समर्स का होता है, विंटर्स में इसका डोमिनेंसी पीरियड होता है। हालांकि आपको इसको बचाना होगा, नहीं तो जाड़े में इसकी डेथ हो जाती है। इसके लिए तैयारियां आपको समर से ही स्टार्ट कर देनी होंगी। करना आपको ज्यादा कुछ नहीं है, बस इतना ध्यान रखना होगा कि इस प्लांट की आप कटिंग से ढेरों प्लांट तैयार करते रहिए, केवल एक प्लांट पे डिपेंडेंट ना रहिए। आपके पास ढेरों ऑप्शन रहेंगे तो उसमें से कुछ प्लांट मरेंगे निश्चित है और कुछ आपके पास में बचे रहेंगे अगले सीजन के लिए। गर्मियों में ये प्लांट तो अपने फुल ग्रोथ पे होता ही है, लेकिन ध्यान देना ये होगा कि बहुत ज्यादा इसको वाटरिंग नहीं करनी है। वाटरिंग आप इसको मिट्टी को चेक करते हुए करिए, मिट्टी अगर सूखी लग रही है तो पानी डालिए, उसके अलावा पानी डालने की जरूरत नहीं है ज्यादा इसको। लेकिन रेगुलर जब ज्यादा गर्मी हो तो इसमें थोड़ा ध्यान रखिएगा पानी इसमें कम भी ना होने पाए। बरसात के दिनों में जब बारिश हो रही हो ध्यान रखिए कि बारिश के टच में ज्यादा देर तक ये प्लांट ना रहे, ऐसे में प्लांट में पानी भरता रहेगा और ये सड़ के इसकी पत्तियां गिर जाएंगी और लास्ट में आपका प्लांट भी मर जाएगा। तो ओवर वाटरिंग से आपको इस प्लांट को बचाना है और जाड़े में इसकी पत्तियां वैसे भी झड़ जाती हैं। कोशिश ये कीजिए कि आपका जो प्लांट है बहुत ज्यादा ठंड वाले पोर्शन में ना हो, जहाँ डायरेक्ट ठंड आती हो। सबसे इम्पोर्टेंट बात, इसमें आपको जो पॉट लगाना होगा, जिस पॉट में आप इसको लगा रहे हैं वो बहुत बड़ा पॉट ना हो। मैक्सिमम पॉट आप इसका जो है 3 से 4 इंच तक रखिए, उसके ऊपर इसमें मत जाइए, क्योंकि इसको इसकी रूट बहुत ज़्यादा बड़ी नहीं होती हैं और ज़्यादा मिट्टी रहेगी तो उतना ही पानी उसमें होल्ड करेगा और प्लांट के सड़ने का डर रहेगा। कीमत की बात की जाए तो ये आपका 30 से 40 रुपए में सभी जगह मिल जाता है। नेक्स्ट कैटेगरी का प्लांट स्नेक प्लांट है, जो जनरली 4 वेराइटीज में या 4 स्पीसीज में मिलता है। पहली वेराइटी ये डॉर्फ ग्रीन वेरीगेटेड स्नेक प्लांट है, जो जनरली टेबल स्नेक प्लांट भी इसको कहा जाता है। और दूसरी ये ग्रीन वेरीगेटेड में ही लॉन्ग वाली स्नेक प्लांट है, जिसकी लीव्स लंबी लंबी होती हैं, जो आपका सेमी इंडोर एरिया में बहुत अच्छी तरीके से चलता है, देखने में बहुत ही खूबसूरत लगता है। इसके जो फ्लैशेस होते हैं पत्तियों के, देखने में बहुत खूबसूरत होते हैं। नेक्स्ट स्पीसीज इसमें वेरीगेटेड येलो कलर की लीव्स मिलती हैं, जो इसमें किनारे किनारे येलो कलर के शेड बने होते हैं, बीच में ग्रीन और लाइट ग्रीन के पैचेस होते हैं, जैसा कि इसके पहले वाले में था।
फ्रेंड्स अगर इस प्लांट को आप क्या करेंगे मल्टीप्लाई करेंगे तो सेम कलर के ही आपको नए नए लीव्स मिलेंगे, लेकिन अगर आप इसको लीव से प्रोपगेट करेंगे तो आपको पत्तियां कुछ इस प्रकार की देखने को मिलेंगी जिसमें येलो वेरिएशन गायब रहेगा। इसी तरीके से इसकी येलो वेरिएटेड की छोटी या डॉर्फ स्पीसीज की भी स्नेक प्लांट मिलती है। इसके कीमत की अगर बात की जाए तो लॉन्ग ग्रीन पैचेस वाला स्नेक प्लांट इसकी कीमत 40 रुपए से 60 रुपए के बीच में, तो वहीं येलो लॉन्ग वेरिएटेड स्नेक प्लांट आपका 100 से 150 के बीच में, और वहीं टेबल में ये ग्रीन पैचेस वाला स्नेक प्लांट ये आपका 80 से 100 रुपए के बीच में, और येलो आपका जो टेबल स्नेक प्लांट है इसकी कीमत 150 से 200 के बीच में मिलती है। नेक्स्ट प्लांट हमारा पथोस का है जिसे मनी प्लांट कहते हैं। ये कोई नया प्लांट नहीं, लगभग सभी लोग इसके बारे में जानते हैं, लेकिन अक्सर कुछ गलतियों की वजह से लोगों का मनी प्लांट ग्रो नहीं कर पाता या बढ़ नहीं पाता या सूख जाता है, तो उन सारी वजहों को हम डिस्कस करते हैं। देखिए सबसे पहले बात ये है कि मनी प्लांट को प्लेस कहाँ पे किया जाए, कहाँ पे रखा जाए, तो समर्स की बात की जाए तो इसे आप सेमी सैड एरिया में रखिएगा। अगर आप इसे पूरी तरीके से सैडी एरिया में रखते हैं तो वहाँ पे ग्रो आपकी जो ग्रोथ है वो कम होगी, वहीं सेमी सैड एरिया में होगा वहाँ पे क्या होगा इसकी ग्रोथ आपकी अच्छी रहेगी, तेजी से ग्रो करेगा। और बात करें अगर विंटर्स की, अगर इसमें विंटर्स में भी आपको ग्रोथ चाहिए, हालांकि विंटर्स में ग्रोथ इसकी रुक जाती है, लेकिन आपको फिर भी चाहिए तो इसे आप फुल सन वाले एरिया में इसको प्लेस कर दीजिए। ऐसा करने पे इसको काम भर की सनलाइट मिलेगी और ये क्या होगा इजली ग्रोथ करता रहेगा और आपका प्लांट बढ़ता रहेगा। फर्टिलाइजर की बात करें तो इसके लिए सबसे बेस्ट फर्टिलाइजर आपका काउडंग कंपोस्ट है। इसके अलावा आप किसी भी फर्टिलाइजर की तरफ आपको जाने की जरूरत नहीं है। गर्मियों के मौसम में 3 दिन पे पानी दीजिए और वहीं जाड़ों में इसे 1 हफ्ते के बाद में पानी दीजिए। और बहुत बड़ी पत्तियां चाहिए कमल के पत्ते के जैसा, तो इसको आप मॉस स्टिक के सहारे शुरू से ही बढ़ाइए। अगर आपने इस वेरिएटेड स्पीसीज की मनी प्लांट को लगा रखा है तो आपको ध्यान देना ये होगा कि आप इसको ऐसी जगह पे प्लेस कीजिए कि जहाँ पर सुबह की केवल 1 से 2 घंटे की धूप मिलती हो। इससे ज़्यादा की धूप ये प्लांट बर्दाश्त नहीं कर सकता है और इसकी पत्तियाँ सनबर्न हो जाती, जैसा कि इसमें आप देखिए कहीं कहीं पत्ते इसके जो है जले दिखाई पड़ रहे हैं, ये सनबर्न की वजह से ही हुए हैं। बात करें इनके कीमतों की तो ये जो आपका वेरिएटेड मनी प्लांट है इसकी कीमत 50 से 60 रुपये के बीच मिलती है, तो वहीं आपके ये गोल्डन पोथोस 20 से 30 रुपए तक मिल जाते हैं। दोस्तों ये हमारे गार्डन के कुछ सेमी इंडोर प्लांट थे, हालांकि लिस्ट अभी पूरी नहीं हुई है, इसके आगे के प्लांट हम लोग अपने नेक्स्ट एपिसोड में कंटिन्यू करेंगे।